जबकि उसी दिन मान्या बहन जी की जो ट्वीट आया है उसमें मान्या बहन जी ने कहा है कि जो भी निर्दोष लोग हैं इनको तुरंत से तुरंत सजा मिलनी चाहिए। मान्या बहन जी ने कहा कि जैसे ही ये सिद्ध होता कि दोषी ये हैं तुरंत उनको पार्टी से निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी हमेशा न्याय करती है, मान्या बहन जी भी न्याय करती हैं। अपनी सरकार में भी अगर हमारे सांसद ने भी इस तरीके की कानून तोड़ने का काम किया था तो बुला करके मान्या बहन जी ने उनको भी गिरफ्तार कराने का काम किया था। नहीं, निर्णय नहीं, पहले ये तो सिद्ध करे जो प्रशासन है। निर्णय की बात नहीं हो रही कि 18 साल 20 साल कब लगेगा, मौके पर मुलजिम कौन है ये, अगर ये लोग मुलजिम साबित हो तुरंत इनको बहुजन समाज पार्टी से निकाल कर बाहर मान्या बहन जी करेंगी। आज मान्या बहन जी का ट्वीट आया है, बहुजन समाज पार्टी कभी भी किसी भी मुलजिम को न्याय तोड़ने वाले लोगों को संरक्षण नहीं देती। पार्टी में तो रखा है ना अभी आप लोगों ने? नहीं नहीं, पार्टी में वो नहीं है, पार्टी में मान्या बहन जी ने आज अभी दिया है स्टेटमेंट। ये उस चीज को मान्या बहन जी निर्णय लेगी, मान्या बहन जी हमेशा न्याय करती है। लगता नहीं कि अभी शुरुआती दौर में अगर इस तरीके से हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये आरोप आप जिस तरीके से आते नहीं, निश्चित है कि मान्या बहन जी न्याय करेंगी और हमेशा बहन जी न्याय के साथ रहती है, अन्याय के साथ बहन जी कभी नहीं रहती हैं। अरे आप लोग धन्यवाद के साथ है कि आरोपी के साथ हैं? नहीं, हम लोग पीड़ित के साथ हैं और आरोपी के साथ भी हैं। आरोपी के साथ नहीं हम लोग, आरोप जैसे ही सिद्ध होता है मान्या बहन जी का जो स्टेटमेंट आया है, बाकी मैं जा करके फिर से बहन जी से इस पे बात करेंगे कि मान्या बहन जी आज की स्टेटमेंट आया बहन जी का कि जैसे ही आरोप सिद्ध होता है तैसे तुरंत इनको पार्टी से बाहर कर दिया। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, जंगल राज कायम है। अभी धर्मेंद्र पाल हमारे एक लखनऊ में उनकी हत्या हो जाती है, बलिया में एक पाल साहब की हो जाती है, अभी कानपुर में आपने देखा कि एक ब्राह्मण की बेटी माँ बेटी की किस तरीके से उनकी हत्या हो जाती है। उसमें जमीन का अगर विवाद था विवाद को सुलझाया भी जा सकता था। और आज भी उमेश भाई की घटना जो हुई है दिन दहाड़े बिल्कुल ये बहुत ही घृणित कार्य है, बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश राम राज तो हो ही नहीं सकता भाजपा राज में। ये बताइए क्या ये बहुत गलत हुआ है, ये दिन दहाड़े जिस तरीके से अपराधी लोग दिन दहाड़े आकर के गोलियों से भून दिया, बमबाजी हुई, इस तरीके से सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि सरकार 20 शहर में इनका कानून क्या कर रहा है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है, जो इस तरह से इतनी बड़ी घटना हुई जी। और इस घटना से हम लोग बहुत दुखी हैं। और उस दिन जैसे ही जानकारी मिली मैं बाहर था, मैं यार रात में वापस आया हूँ, जैसे सुबह ही मैं 6 बजे लखनऊ से निकल पड़ा हूँ। और उमेश भाई हमारे भी मित्र हैं क्योंकि पहले ये बहुजन समाज पार्टी में ही थे, बाद में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में थे। आप सभी लोग भी जानते हैं कि इसके पहले एक हमारे विधायक राजू पाल जी की घटना इस तरीके से हुई थी जी। और उस घटना में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी सुबह सुबह ही बिल्कुल पहुंच गए।